बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द पीरियड्स इंपॉर्टेंट ऑफ कार्डियोलॉजी। अब इसमें पढ़ेंगे सेप्टल डिफेक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम डिस्कस करेंगे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। 7 ईयर ओल्ड बॉय प्रेजेंट किया विद एक्सरसाइज इंटॉलरेंस है, प्रोमिनेंट पेरिकार्डियम है, लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड विद अ फिक्स एंड वाइडली स्प्लिट सेकंड हार्ट साउंड है, एट द अपर लेफ्ट स्टर्नम बॉडी डेड डिड नॉट चेंज विद द रेस्पिरेशन, पेशेंट इज अदरवाइज एक्टिव एंड हेल्दी। अब हम देखेंगे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहाँ कहाँ होता है। ये पूरा सेप्टम है, जो सबसे ऊपर होगा वो साइनस विनोसिस डिफेक्ट है, मिड पोर्शन में ओस्टियम सेकंडम है और नीचे ओस्टियम प्राइमम है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। ओस्टियम प्राइमम जो होता है ना, सबसे नीचे वाला, ये उन्होंने बताया इंटीरियर लीफलेट। इसका इंटीरियर लेफ्ट जो लीफलेट होता है कस्ट इज ओपन लेफ्ट एंड इनकम्प्लीट, और जब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है ना, वो मिड पोर्शन वाला होता है। ये है ओस्टियम सेकंडम डिफेक्ट, इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट विद द नॉर्मल एवी वॉल्स। अच्छा, उन्होंने आगे उन्होंने बताया कि आइसोलेटेड पेटर फॉर एन अवेल इज यूली नॉन डायनेमिक सिग्निफिकेंस। आगे हम इसके बाद फिजियोलॉजी डिस्कस करते हैं, ठीक है। ग्रेटर राइट देन द राइट देन द लेफ्ट वेंट्रिकल कंप्लायंस एंड लो पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस। अब देखिए, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जब एट्रिया के अंदर होगा तो ग्रेटर राइट देन द लेफ्ट वेंट्रिकल कंप्लायंस, जो वेंट्रिकल की कंप्लायंस और लो पल्मोनरी की वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, लेफ्ट से राइट शंट होगा एट्रियल लेवल पे। इंक्रीज फ्लो होगा अक्रॉस द ट्राइकस्पिड एंड पल्मोनरी वॉल्स। देखो, जब लेफ्ट से राइट आएगा, ये देखें मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अब ये एक हार्ट है, ठीक है, यहाँ पे डिफेक्ट आएगा। अब यहाँ से ब्लड आएगा राइट में, ठीक है। अब यहाँ से पल्मोनरी, यहाँ पे इधर से चला जाएगा लंग्स के अंदर, ठीक है, इधर से लंग में चला। अब देखो, लेफ्ट से राइट में आया तो क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी, जब ये पल्मोनरी आगे से जाएगा ना, पल्मोनरी यहाँ पे आएगा, इधर से नीचे आएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, तो इसका प्रेशर बढ़ जाएगा ना, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो है इज यूजुअली 2 to 4 times सिस्टेमिक ब्लड। अब पल्मोनरी ब्लड फ्लो इतना ज्यादा हो गया कि वो सिस्टेमिक से भी ज्यादा हो गया, अगर बड़ा डिफेक्ट होगा। अब हम इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग देखते हैं। ओस्टियम सेकंडम हमने पढ़ा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होता है, ये सबसे ज्यादा कॉमन है, इसलिए एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है और कुछ में ये हार्ट फेलियर भी कॉज कर सकता है, ठीक है। इसमें पल्स नॉर्मल होती है। आपने इसमें याद रखना है कि जो सॉफ्ट सिस्टोलिक मर्मर होता है और जो सेकंड हार्ट साउंड होती है ना, वो पल्मोनरी वॉल्स की वजह से होती है। यहाँ पे ये फिक्स और स्प्लिट होती है, स्प्लिट आवाज़ आती है हमें, ठीक है। ओस्टियम प्राइमम में क्या होता है कि ये भी एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, इसमें इजी फटेबिलिटी है। देखो, अगर पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर ज्यादा होगा तो लंग्स का इन्फेक्शन ज्यादा होने का खतरा है, निमोनिया होने का। इसमें भी आप देखेंगे, इसमें आप याद रखना क्या होगा, एट्रियल सेप्टल इफेक्ट में सॉफ्ट सिस्टोलिक मर्मर होता है, कहाँ पर होता है, लेफ्ट स्टर्नल एज पर, ठीक है, यहाँ पर। और इसमें एपिकल पेंसिस्टोलिक मर्मर भी हो सकता है, फिक्स प्लेट है सेकंड हार्ट साउंड की। अब हमने इसे डायग्नोस कैसे करना है, जब हम एक्सरे करवा के देखेंगे ना, तो हमें पल्मोनरी मार्किंग हमें पता चलेगी एक्जैक्ट, ठीक है। कार्डियोमेगैली मिलेगी, हम ईसीजी करवा के देखेंगे तो राइट मेडल ब्रांच ब्लॉक लगेगा हमें, राइट की तरफ आ रहा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी लगेगी होगी, बल्कि स्पीरियल एक्सिस होगा इन प्राइमम में, ठीक है। उसके बाद इकोकार्डियोग्राम में देखा तो राइट वेंट्रिकल इनलार्ज हुआ था, ओपन जो था सेप्टम जो था वो मूव करा थी ना पैराडॉक्सिकल फैशन में, और इस डिफेक्ट को आप यूटिलाइज कर सकते हैं टू डेमेंशनल मेडिकल मैनेजमेंट। अब जो अगर तो इसमें एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होगा तो हम वही व्यक्ति एंडोकार्डाइटिस वाली प्रोफाइलेक्सिस नॉट नेसेसरी इन द सेकंडम डिफेक्ट, लेकिन जो प्राइमम का डिफेक्ट होगा ना, वो उसमें ये देंगे हम, क्योंकि वहाँ पे माइट्रल वॉल की रीवेजिटेशन होगी। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में देखें तो इसमें हम सर्जरी करते हैं, रेशो बनाते हैं 2:1 या टाइम फॉर द लेकिन ये कब करते हैं सर्जरी, प्रायर टू द एंट्री इनटू द स्कूल। अभी बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट होने स्कूल जाने से पहले ही हम उसकी सर्जरी कर देंगे, ठीक है, ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे, सर्जरी लेस देन 1%, ठीक है। अब हम इसके यूक्यू डिस्कस कर लेते हैं। अब हम देखते हैं इसके यूके 7 ईयर ओल्ड बॉय है, रूटीन एग्जामिनेशन में फर्स्ट हार्ट साउंड विद अ वाइट फिक्स स्प्लिट, फिक्स स्प्लिट सेकंड हार्ट साउंड में क्या हुआ था, स्प्लिट आया था, डज नॉट चेंज विद द रेस्पिरेशन अदर हेल्दी। अब इसमें मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोस क्या है, आपको पता चल क्या है, ये स्प्लिट एट्रियल सेप्टल इफेक्ट में होती थी। उन्होंने 3 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और पूछी है इसके अंदर, ठीक है, तो वो क्या हो सकती है, निमोनिया हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या था, इजी फटेबिलिटी है, इंटॉलरेंस है, और ब्रेथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है। अब उन्होंने बाकी पूछी है 3 इन्वेस्टिगेशन, आपने बतानी एक्सरे में हमें पल्मोनरी मार्किंग ज्यादा मिले थे, साइज इलाज मिला था हार्ट का, राइट मेडल ब्रांच ब्लॉक ईसीजी में मिला था, और इकोकार्डियोग्राम में देखा तो राइट वेंट्रिकल इनलार्ज था और सेप्टम जो था वो मूव कर रहा था इन द पैराडॉक्सिकल फैशन, ठीक है। अब इसे ट्रीट कैसे करेंगे, वही अगर प्राइमम का इफेक्ट है तो हम उसे एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस देंगे, लेकिन सर्जरी में हम बच्चों को स्कूल जाने से पहले ही हम उसकी सर्जरी कर देंगे और ये ओपन हार्ट सर्जरी होगी, क्लोजर ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने इसमें भी यही पूछा है, 3 कॉम्प्लिकेशंस भी आ गए उन्होंने पूछनी है, तो आपने बता देना क्या हो सकता है, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, और एक आप यूक्यू से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे नेक्स्ट देखिए, इसमें भी फिक्स स्प्लिटिंग हार्ट साउंड, ये भी पता चल गया। अब इसकी 3 मेन टाइप्स उन्होंने कहा है, 3 हमने 2 पढ़ी है ना, इसकी ओस्टियम सॉरी 3 ही है, जो हाई में होती है वो साइनस विनोसिस है, और मिड में ओस्टियम सेकंडम है, और थर्ड वाला ओस्टियम प्राइमम है, ठीक है। जनरल मैं यू विल एडवाइस टू द पेरेंट्स, तो आपने पेरेंट्स को क्या एडवाइस करना है कि आपने उसे बताएंगे कि आपके बेबी को ये मसला है, तो आपने उसे कैसे मैनेज करना है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने हॉस्पिटल में लेके आना है और ओपन हार्ट सर्जरी रिकमेंड करनी है, ठीक है।